हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आपको पोलर ब्लू पैरेट फिश के ब्रीडिंग अपडेट के बारे में बता रहा हूँ। मैंने इन दोनों को फिलहाल अलग अलग कर दिया है। जो आप एक तरफ इस तरफ राइट साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये दोनों इन्होंने अपना पेयर बना लिया है। फीमेल थोड़ी मेरे ख्याल से मैच्योर हो गई है एग देने के लायक। इसने एक बार पहले भी एग दिया था और दोबारा एग दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। जैसे कि आप एक तरफ देख सकते हैं, मैंने दोनों पोलर वाइट रख रखी हैं और एक तरफ मैंने पोलर वाइट और पोलर ब्लू रख रखी है। जो वाइट वाला है वो मेल है और जो ब्लू वाला है वो फीमेल है। उसका आप देख सकते हैं कि उसकी ट्यूब निकलनी चालू हो गई है। ये मेरे ख्याल से एक से दो दिन के अंदर में ये एग ले कर देगी। लेकिन दूसरी वाली जो वाइट वाली है, ये अभी फ़िलहाल नॉर्मल ही है। देखिए मेल इनको कैसे चेस कर रहा है। ये इनमें होता ही है कि थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, मेल भी एग्रेसिव हो जाता है, फीमेल भी थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है देखने में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैंने इनको थोड़ा सा ब्लड बॉम डाला है, कितनी फुर्ती में इन्होंने खाया है। और देखिए दोनों तरफ मैंने डाला है थोड़ा थोड़ा सा। देखिए जो वाइट वाली है वो कितनी ज़्यादा ही उसको पसंद है ब्लड बॉम। कितनी प्यारी लग रही है देखने में। देखिए कितनी फुर्ती में इसने इस लेफ्ट साइड वाली ने ख़त्म किया है। राइट साइड वाली पर अभी थोड़ा सा है, लेफ्ट साइड वाली पर देखिए। मैं फिलहाल इनको थोड़ा थोड़ा ही दे रहा हूँ। देखिए लेकिन क्योंकि एग ले करने के टाइम पे है तो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कुछ ज़्यादा ही होती है, इसलिए इनको ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और ये इनके लिए फेवरेट फूड है। अब रिवर वगैरह में भी थोड़ा कोई हल्के फुल्के से कीड़े मकोड़े होंगे, जो छोटे बारीक वाले ये काफ़ी पसंद आते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इन्हें फीमेल ने क्लीन कर दिया और वो मेल देखिए पीछे की तरफ क्लीन करने लग रहा है। ये देखिए, और ये मेरा पोलर ब्लू वाइट और फुल है। मैंने इसमें बीच में पार्टीशन लगा रखा है, पार्टीशन देख सकते हैं आपकी। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर पार्टीशन लगा रखा है। और देखिए इसने क्लीन कर दिया है। जो फीमेल के आप डोर्सल फिन देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा फीमेल का। और इस तरफ देखिए, इस तरफ भी मैंने एक बाउल रख रखा है दोनों के लिए, प्रॉपर मैंने रखा हुआ है कि इनको कोई दिक्कत ना हो एग ले करने में। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये देखिए फीमेल का नीचे की तरफ ट्यूब निकली हुई है। और इसमें देख सकते हैं कि ये फीमेल, ये आप सामने देख रहे हैं, ये नहीं है, इसमें नहीं निकला हुआ है। लेकिन मेल में आप मेल को देख सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा उसका साइज़ थोड़ा वैसा लग रहा है 10 के सिक्के की तरह, जो फीमेल थोड़ी छोटी साइज़ की है। इसको लग रहा है कि मैं अभी भी और फूड डालूंगा इनको, लेकिन नहीं, इनका काफ़ी ज़्यादा हो गया है। थोड़ा कम ही फूड दीजिए क्योंकि गर्मी का टाइम चलने वाला है। फिशेज़ को ज़्यादा फूड देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं होती, थोड़ा नॉर्मली फूड दे। और आप ओवर खा लेंगे तो आपको गैस वगैरह बन जाएगी। ऐसी तरीके से इनमें होता है कि ज़्यादा ओवर फीडिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपकी फिशेज़ मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आपको दिक्कत हो जाएगी कि आपकी फिशेज़ मर क्यों रही हैं। और मैं वीक में एक बार पानी ज़रूर चेंज करता हूँ। फिलहाल थोड़ा सा इसमें गंदा दिख रहा है, मैं इसको एक बार क्लीन ज़रूर करूँगा। क्लीन करने के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल इसके आगे थोड़ी सी एल्गी लगी हुई है। एक सोच रहा हूँ कि मैं इसके जो उस तरफ एक थोड़ी बड़ी वाली सगर के आइटम है इस तरफ डाल देता हूँ, छोटी वाली तो फिलहाल उस तरफ चली जाएगी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है देखने में। और ये फुल्ली लोड हो रखी है एग से अभी। ये मेरे ख्याल से एक या दो दिन के अंदर में बिल्कुल एग लेकर देगी। ये देख सकते हैं कि आप डोर्सल फिन इसका पीछे की तरफ से कितनी ज़्यादा लोड हो रखी है। ये धीरे धीरे करके ट्यूब बड़ी हो रही है इसकी। एक से दो दिन के अंदर में हो सकता है ये आज दे दे, या एक कल या परसों के आसपास ये एग दे दे, क्योंकि इसने बाउल अंदर से साफ़ करना चालू कर दिया है धीरे धीरे करके। और जब ये देखें कि आपकी फिश किसी कोने में अगर किसी चीज़ को क्लीन कर रही है या उसकी ट्यूब बड़ी हो रही है, तो समझ लीजिए कि वो एग ले करने वाली है। उसके पास ना के बराबर ही जाइएगा, नहीं तो वो अपने एग खुद ही खा लेगी। और जो मेल जो है वो बार बार आपको अगर आप हाथ डालेंगे तो वो एक बारी में पूरे पूरे आपके अपने एग खुद ही खा लेती है। ये कोशिश कीजिएगा कि आप उसके पास ना जाइएगा, क्योंकि मैंने इनको हैच करके देखा हुआ है। मैंने दोनों तरीके से हैच कराया है। मैंने इनसे फीमेल के थ्रू भी हैच करवाया इनको, और मेल के थ्रू भी, जैसे कि आप अलग अलग करके कर सकते हैं। मैंने इनके अंडे निकाल करके, क्योंकि अंडे जब आप बाहर निकालेंगे उनमें 70% तो आपको बच जाएगा, लेकिन 30% आपकी मारी जाएंगी। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाली अमेजिंग वीडियो के लिए देखते रहिए आशा पेट केयर।